हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हर्षो किचन। आज के इस नए वीडियो में हम आपको नारियल के लड्डू बनाने की रेसिपी सिखाएंगे। इसमें हमने कच्चे नारियल्स का यूज किया है, आप सूखे नारियल का भी यूज कर सकते हैं, बट हमने इसमें कच्चे नारियल को तोड़ करके बारीक इस तरीके से कटिंग कर ली है। अब इसको बारीक और मिक्सर ग्राइंडर की मदद से छोटे छोटे पीसेस में खोबरा की जैसे कटिंग कर लेंगे। और इसके साथ में हमको शक्कर की ज़रूरत पड़ेगी, शुगर और इलायची। तो इनकी क्वांटिटी जो है, यदि आप आधा किलो ये नारियल का कटिंग लेते हैं तो इसमें 1 पाव के करीबन जो चीनी जो है वो आपको डालनी पड़ेगी। और स्वाद के लिए दो 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 से 4 ठो इलायची की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए, सबसे पहले अब हम इस नारियल को मिक्सर ग्राइंडर की हेल्प से बारीक पीस लेंगे। ज़्यादा एकदम बारीक नहीं पीसना है, पतला पाउडर के जैसे, थोड़ा खोबरा जैसे किस आता है वैसे ही इसको हमको किसना है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके हम पूरे जो नारियल हैं उसको किसेंगे और इसको थोड़ा सा और चला लेंगे, ताकि ये जो आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं इसको छोटा करना है। अब हम एक बड़े बर्तन ले लेंगे, जिसमें ये जो आप कटिंग किए हैं बारीक किस लिए हैं नारियल को, इसमें रखेंगे, ताकि इसको थोड़ा सा हम गर्म करके इसका जो पानी है वो निकाल सके। इसको थोड़ा सूखा करेंगे सेक करके, पूरे नारियल को किस करके इसी पैन में हम रखेंगे। तो सबसे पहले अब गैस ऑन कर लिया हमने। अब जो कढ़ाई पैन में हमने नारियल को रखा है इसको इसके ऊपर रखेंगे और हल्के आंच पे इसको गर्म होने देंगे, ताकि जो नारियल में एक्सेसिव वाटर है वो बाहर निकल सके। हमने जो कच्चा नारियल लिया था पानी वाला, उसके कारण इसको इस तरीके से हमको थोड़ा थोड़ा सेकना पड़ रहा है। नहीं तो जो सूखा नारियल लेते हैं उसको इस तरीके से गर्म करके पानी निकालने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती। अब इसको गर्म होते जाएगा तो ये चम्मच की मदद से इसको ऊपर नीचे करते जाना है, ताकि पूरा जो नारियल है उसका पानी बाहर निकल सके, अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। तो इसको ऊपर नीचे करके पूरा नारियल को एक बार मिला लेंगे, ताकि सब तरफ जो हीट है वो पहुंच सके। अब चम्मच से इस तरीके से मिलाते रहेंगे, ताकि जो नारियल है वो नीचे बैठे ना। नीचे बैठेगा तो फिर ये जल जाएगा, इसके कारण इसको ऊपर नीचे करके मिलाते रहना है और अच्छे तरीके से ये पूरा ये ड्राई हो जाना चाहिए, तब तक कि इसको हम इसी तरीके से भूनते रहेंगे। अब ये पूरा भून करके तैयार हो गया है। अब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, भूरा ब्राउन कलर हो जाएगा। तो अब इसको हम ठंडा करने के लिए नीचे उतार देंगे और तब तक के चाशनी जो है वो हम तैयार करेंगे। अब ये जो है भून करके तैयार हो गया, अब इसको एक थाली में निकाल लेंगे, ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। तो इस तरीके से थाली में हमने इसको निकाल करके रख दिया है, ताकि ये धीरे धीरे ठंडा हो जाए। तब तक कि अब हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए अब हम इसी पैन में पानी जो है सबसे पहले हम डालेंगे। चुप रहो ना, वो पानी 1 छोटे कप में हमने लिया है। ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि ये पहले से ही जो गीला नारियल लिया था हमने, तो उसमें और भी पानी का कंटेंट रहता ही है, इसलिए पानी चाशनी में कम लेंगे। और पानी उबल जाने के बाद में अब इसमें शक्कर जो है वो हम मिलाएंगे। तो ये 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा शक्कर है, क्योंकि हमने जो नारियल लिया है वो आधा किलो से भी ज़्यादा है। अब
अब इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे ताकि शक्कर अच्छी तरीके से पानी में घुल जाए, और चाशनी जो है वो धीमे आंच पे आपको बनानी है। इस तरीके से चम्मच से हम इसको मिलाते रहेंगे ताकि जल्दी जो है शक्कर पानी के साथ में मिक्स हो जाए और धीमे आंच पे चाशनी जल्दी पक करके तैयार हो जाए। चाशनी पक करके तैयार हो गई है। अब इसको थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं कि ठीक तरीके से पकी है कि नहीं। थोड़ा सा इसका जो है एक दो बूंद पानी के अंदर डाल करके देखेंगे ताकि ये नीचे जम जाने को होना, फैलने को नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा और इसको पकने देंगे हम। चाशनी जो है बन गई है। अब इसमें जो इलायची हमने ली थी उसको बारीक कूट लिया है हमने उसके दानों को, और इसको भी अब इसमें हम मिक्स कर देंगे ताकि जो इसका फ्लेवर है वो अच्छे तरीके से लड्डू में हमको मिलेगा। अब इसको अच्छे से मिला लेना है चाशनी के अंदर ही। इससे लड्डू का जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है। अब फ्लेम को जो है हम कम कर देंगे और जो नारियल अभी हमने भून करके रखा है इसको थोड़ा थोड़ा करके इस चाशनी में मिक्स करते जाएंगे ताकि ये पूरा चिपके ना इसके अंदर। इसको अच्छे तरीके से डाल देंगे और मिलाते जाएंगे अब इसको। ये हमने पूरा नारियल का जो कीस है वो इसके अंदर डाल दिया। अब इसको अच्छे तरीके से अब चाशनी के साथ मिक्स कर लेंगे। फ्लेम जो है हमने पूरा कम कर दिया है। यदि ये टाइट होने लग जाए तो आप फ्लेम बढ़ा सकते हैं ताकि जो शक्कर है वो थोड़ा पिघल करके इसमें पतला जो है हमको मिलेगा थोड़ा। अभी अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है तो अब हम फ्लेम को जो है वो बंद कर देंगे गैस को, और इसको अब थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद में छोटे छोटे लड्डू जो है वो हम बनाएंगे। गैस के नीचे उतार लेंगे और अच्छे से अब और मिक्स करेंगे। इसको धीरे धीरे ठंडा होने दे रहे हैं और नीचे चिपकना नहीं चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा थोड़ा जो है हम पानी ले लेंगे एक प्लेट में, और इसमें से थोड़ा थोड़ा लेकर के इस तरीके से जैसे लड्डू बनाते हैं वैसे ही आपको लड्डू जो है वो बनाने हैं। पानी थोड़ा थोड़ा लेंगे क्योंकि ये गर्म है तो आपका हाथ जलना नहीं चाहिए। इसमें ऑयल भी जो है होता है पहले से ही नारियल में, इसीलिए आपको थोड़ा ये गीला ही लगेगा। ये पूर्ण रूप से आपको सूखा जो है वो लड्डू नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें पहले से ऑयल होता है। इसको पूरे लड्डू बनाने के बाद में आप एक घंटे ऐसे ही रखेंगे तो ये थोड़ा टाइट हो जाता है। अभी आपको थोड़ा गीला गीला ही लगेगा क्योंकि इसमें तेल होता है। अब इसी तरीके से पूरे लड्डू जो है हम बना लेंगे, और बनाने के बाद में इसको हम एक घंटे तक के इसी तरीके से रख देंगे ताकि ये पूरे ठंडा होकर के थोड़ा टाइट हो जाए, और उसके बाद में आप इसको यूज़ कर सकते हैं खाने के लिए। लड्डू बनकर के तैयार हो गए हैं। अब इसको हम आधे से एक घंटे के लिए पंखे के हवा में सुखाएंगे ताकि ये सूख करके थोड़े टाइट हो जाएं। अभी ये आपको थोड़े नरम लगेंगे, इसको आप टच करेंगे तो। इसको आधे एक घंटे तक के पंखा चालू करके इसको थोड़ा सूखने दीजिए, और उसके बाद में इसको एयर टाइट बर्नी में
डब्बे में इसको रख सकते हैं और कम से कम इसको 15 से 20 दिन तक के आप इसको खा सकते हैं। उससे ज़्यादा मत रखिएगा क्योंकि ये ख़राब हो जाता है। तो ये 15 से 20 दिन तक के ही इसको हम यूज़ कर सकते हैं। सो आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और आगे किस रेसिपी की वीडियोस आपको चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर पूछिए। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलेगा अपने फ्रेंड सर्कल में। और अभी तक के अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे सब्सक्रिप्शन बटन दी गई है, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा न्यू अपडेट पाने के लिए।